हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय खान सर जी के फिल्मी करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी सुपरहिट और हिट मूवीज दी। इनके बड़े भाई फिरोज खान सर जी थे, इन्होंने ये भी एक एक्टर और डायरेक्टर थे, इन्होंने भी काफ़ी फिल्में दी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी रियल इनकम होती है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज़ में हैं एक फूल दो माली, जो एक सुपरहिट मूवी रही, मेला इनकी सुपरहिट मूवी रही, 10 लाख इनकी सेमी हिट मूवी रही, दोस्तों नागिन इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी रही। तो शुरू करते हैं, इनका रियल नेम शाह अब्बास खान है। इनका जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलुरु में ही हुआ। इनके पिता सादिक अली खान तनोली और माता फातिमा खान है। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी 1962 में, टार्जन गोज टू इंडिया। इस मूवी में संजय खान जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इनकी दूसरी मूवी आई थी 1964 में, जिसका नाम था दोस्ती। इसमें संजय खान सुधीर ली डोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1964 में आई थी हकीकत। इसमें धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, संजय खान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1966 में 10 लाख। इसमें संजय खान और बबीता देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1966 में आई थी दिल लगी। इसमें संजय खान और माला सिन्हा ली डोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी 1967 में आई थी दिल ने पुकारा। इसमें संजय खान, राजश्री देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में मिलन की रात। इसमें संजय खान और शर्मिला टैगोर देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था अभिलाषा। इसमें संजय खान और मीना कुमारी ली डोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1969 में बेटी। इसमें संजय खान और नंदा ली डोल में देखने को मिले। इस मूवी को बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी एक फूल दो माली। इसमें संजय खान, साधना और बलराज सानी ली डोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी, जिसका नाम था शर्त। इस मूवी में संजय खान और मुमताज ली डोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1969 में आई थी माधवी। इसमें संजय खान, अरुणा ईरानी ली डोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी इंतकाम। इसमें संजय खान और साधना ली डोल में देखने को मिले। ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली 1970 में आई थी सास भी कभी बहू थी। इसमें संजय खान और लीना चंद्रावरकर देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1970 में आई थी पुष्पांजलि। इसमें संजय खान, लीना चंद्रावरकर देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1970 में आई थी महाराजा। इसमें संजय खान और नूतन ली डोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1971 में हसीनों का देवता। इसमें संजय खान, रेखा और बिंदु ली डोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी उपासना। इस मूवी में संजय खान, मुमताज और फिरोज खान देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी वो दिन याद करो। इसमें संजय खान और नंदा देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी चिंगारी। इसमें संजय खान, लीना चंद्रावरकर ली डोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेला। इस मूवी में संजय खान, मुमताज, फिरोज खान ली डोल में देखने को मिले। ये बहुत अच्छी मूवी थी। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में चोरी चोरी। इसमें संजय खान, राधा सलूजा ली डोल में थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1972 में आई थी वफा। इस मूवी में संजय खान और राखी गुलजार ली डोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली मूवी 1972 में आई थी सबका साथी। इस मूवी में संजय खान, राखी गुलजार ली डोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर
फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी धड़कन। इस मूवी में संजय खान और मुमताज देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी बाबुल की गलियां। इसमें संजय खान और हेमा मालिनी देखने को मिले। शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1972 में आई थी अनोखी पहचान। इसमें संजय खान और सिमी ग्रेवाल देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1973 में आई थी धुंध। इस मूवी में संजय खान, जीनत अमान, डैनी डंजम्पा लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1973 में आई थी सोने के हाथ। इसमें संजय खान, बबीता, ओम प्रकाश देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1973 में आई थी दामन और आग। इसमें संजय खान, सायरा बानो देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1974 में आई थी त्रिमूर्ति। इसमें संजय खान और परवीन बॉबी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में ही असलियत। इसमें संजय खान और नंदा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में दुनिया का मेला। इसमें संजय खान, रेखा, रंजीत लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1976 में आई थी नागिन। इस मूवी को राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में संजय खान, सुनील दत्त, रेखा, जितेंद्र, रीना राय, फिरोज खान मुमताज थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली मूवी 1977 में आई थी मेरा वचन गीता की कसम। इसमें संजय खान, सायरा बानो लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1977 में आई थी मस्तान दादा। इसमें संजय खान, परवीन बॉबी लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1977 में सोना चांदी। इसको संजय खान जी ने ही डायरेक्ट किया था। इसमें संजय खान, परवीन बॉबी, राज कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1980 में आई थी अब्दुल्ला। इसमें संजय खान, जीनत अमान, राज कपूर लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी कुर्बानी 1980 में। इसमें संजय खान जी की वॉइस का इस्तेमाल किया गया था। अगली मूवी आई थी 1986 में काला धंधा गोरे लोग। इसको संजय खान जी ने खुद डायरेक्ट किया था। इसमें संजय खान, सुनील दत्त, अनीता राज, अकबर खान, अमृता सिंह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज रही। ये संजय खान सर जी की आखिरी मूवी थी। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो दोस्तों, ये संजय खान जी का फिल्मी करियर था। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में उनका फिल्मी करियर डिस्कस जानना चाहते हैं आप, उसके बारे में ज़रूर बताएं। हम बनाने का वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।